बिस्मिल रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसल। नाज़रीन, लाहौर में इस वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक और दीगर अपोजिशन जमातों का एहतजाज जारी है और इसका जो मकसद है वो यही है कि सानहे मॉडल टाउन के शहदा को इंसाफ दिया जाए। और ये डिमांड बड़े अरसे से ताहिरुल कादरी साहब करते चले आए हैं और अब दीगर अपोजिशन जमातें भी इसमें उनका साथ दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात आज के एहतजाज को लेकर यही थी कि इसमें पीपल्स पार्टी यानी कि आसिफ जरदारी साहब और इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं, वो एक साथ साथ नज़र आएंगे। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूर कहा गया था कि कंटेनर एक होगा और एक ही जगह होगी, एहतजाज का मकाम एक ही होगा। ये तो नहीं क्लेम किया गया था कि वक्त भी एक ही होगा। तो जरदारी साहब जो हैं वो अपनी तकरीर करके इस वक्त जा चुके हैं, लेकिन इमरान खान जो हैं वो अब आए हैं और स्टेज पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में वो भी तकरीर अपनी करेंगे। ये वो एहतजाज है व्यूअर्स जिसको पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की हुकूमत जो है, पंजाब की हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी, एक और साजिश से ताबीर कर रही है, अपने ख़िलाफ़ एक और साजिश का नाम दे रही है। और ख्वाजा साद रफ़ीक ने इस हवाले से जो कहा कि एक दूसरे को चोर कहने वाले इकट्ठे कैसे हो गए, दुनिया ने देख लिया और उनके असल इरादे भी बेनकाब हो चुके हैं। यानी कि जरदारी साहब और इमरान खान के इकट्ठे होने पर इस एहतजाज को लेकर जो तशवीश है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के रैंक्स में, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन आज सवाल यही है कि इस एहतजाज को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्या वाकई ऐसा मुमकिन होगा? क्योंकि अभी तक जो हुकूमती लोगों के बयानात आ रहे हैं, जो कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला के और वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्ला के इस्तीफ़े को लेकर मामला है, वो तो इंकारी हैं। वो तो कहते हैं कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे और इस कदर दबाव बढ़ा भी दिया जाता है तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम हुकूमत कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आज जिस अंदाज़ में जरदारी साहब की भी तकरीर हुई या ये मुतालबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी हमें सुनने को बड़े अरसे से मिलता आया है, वाकई कादरी साहब के साथ इस मौक़िफ़ में उनका जो एक मकसद है वो पूरा कर पाएंगे। आज इसी हवाले से डेफिनेटली बात भी होगी प्रोग्राम में। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी तजिया अवैस तौहीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया अवैस साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें सेनेटर आजिज़ धामरा साहब ज्वाइन कर रहे हैं हैदराबाद से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं आजिज़ धामरा साहब। और डॉक्टर SM ज़मीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो से, पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा हैं, डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अवैस तौहीद साहब, बुनियादी सवाल वही जो तमाम लोग इस वक्त पूछ रहे हैं कि ये एहतजाज रंग क्या लाएगा? जरदारी साहब को और इमरान खान को तो चले एक कंटेनर पर, एहतजाज के एक मकाम पर कादरी साहब ने इकट्ठा कर दिया, अपने जो मकसद था या जो उनकी जबान थी उसमें वो बिल्कुल, बाकी दोनों रहनुमा भी यक जबान होकर बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मंतकी अंजाम है क्या? मंतकी अंजाम मैं समझता हूँ कि ना ताहिरुल कादरी साहब को इसका इल्म होगा, ना इमरान खान साहब को, ना असर जरदारी साहब को। मैं समझता हूँ कि ताहिरुल कादरी साहब ने एक, जैसे आपने दाइये में कहा कि एक कंटेनर पे ला के तो बिठा दिया, लेकिन औकात अलग अलग, उसके टाइमिंग अलग अलग, दूसरे चले गए। और दो सेशन इस पूरी आज की कि एक सेशन के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब, दूसरे सेशन के अंदर इमरान खान साहब, और फिर ऐसा लग रहा था और कादरी साहब की भी दोनों में तकरीर, पहले सेशन से वो तकरीर कर, अभी दूसरी तकरीर करेंगे और उसके अंदर वो अपनी अपने एक जारिबत फन खिताबत उनको आती है तो उसके अंदर कोई वो कोई ना कोई पिटारी से अपने निकालेंगे, ये तो तय शुदा बात है। जिस तरह आते ही उन्होंने जलसे को गर्म किया बिल्कुल, लेकिन देखिए मैं समझता हूँ कि इसमें तजादात हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब और पीपल्स पार्टी का बड़ा अननेचुरल अलायंस है। ये जो एहतजाजी तहरीक की जो पहली झलक है या पहली किस्त है, क्या वो आगे चल के, जो आप भी फरमा रही थी कि आगे चल के क्या ये इंतखाबी सियासी तहरीक में कन्वर्ट होगी, क्या ये रंग लेकर आएगी? तो इसमें इट सीम्स अनलाइकली एट द मोमेंट एक्चुअली कि चलें, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा, एहतजाज की हद तक तो कह सकते हैं, वो भी अगर कहें कि एक अननेचुरल लग रहा है। तहरीक इंसाफ आप देखिए कि उनके वर्कर्स में, उनके लीडर्स जो हैं, उनके अंदर बहुत तहफ़ुज़ात हैं कि वो जरदारी साहब को निशाना बनाते रहें। जरदारी साहब भी उसी स्टेज पे, अब जरदारी साहब की एक पूरी
टीम बैठी हुई थी वो चली गई और उसके बाद फिर इमरान खान साहब आए। मुझे इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं लगती कि कोई बहुत ही धुएँदार किस्म की वो करेंगे। एक बात ये कि जिस तरह आ रहा है कि जी असेंबलियों को तहलील कर देंगे, तो मुझे तो ये अनाउंसमेंट बड़ी एकदम से आ गई खुर्रम नवाज गंडी की तरफ से ये की गई कि जरदारी साहब और इमरान खान साहब आज असेंबलियां तहलील करने का ऐलान करेंगे, तो जरदारी साहब की तो तकरीर खत्म हो गई, कोई ऐसा ऐलान नहीं आया। उन्होंने ऐसा बाउंसर मारा है जिसका उन्हें भी नहीं पता कि इसको नो बॉल देना है या क्या देना है। और परवेज खटक साहब ने भी तर्दीद कर दी इस बात की। नहीं, वो बिल्कुल जो हमें भी इतलात आ रही हैं जो खुद तारुल कादरी साहब के कैंप से कि जी बस हो गया ऐसा कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपस में इख्तलाफात हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इन दोनों को एक कंटेनर पर ला के जो शरीफ खानदान है उनकी मुसीबतों में मजीद इजाफा तो कर ही दिया। बिल्कुल, ये कादरी साहब को क्रेडिट तो दे। अभी देखिए मार्च के अंदर जो है उन पे नैप केसेस का मामला होगा। अब ये इन्होंने देखिए एक तो साने मॉडल टाउन और दूसरा कसूर का जो सानिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सादिया बात हुई तमाम रहनुमाओं ने तकरीर सादिया मुझे ऐसा लगा तकरीर के अंदर कि उसमें सियासी झलक मुझे ज़्यादा नज़र आई। अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि सियासी उसमें रंग ज़्यादा है और एहतजाजी रंग जो है वो भी नज़र आया है मुझे। लेकिन वो जो एक आप देखिए 2014 पॉलिटिक्स में हर चीज हो सकती है, लेकिन आज क्या ये बेहतर नहीं होता? क्या ये बेहतर नहीं होता बिजली के मामले पे, दीगर इश्यूज पे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में? जरदारी साहब बदीन में होते, जरदारी साहब सिंध में होते और बिलावल यहाँ पर होते तो क्या ये बेहतर नहीं होता? लेकिन ये तो जरदारी साहब तो वही वाली बात आपने कर दी कि जो पीपल्स पार्टी के रैंक्स में एक इख्तलाफ की बात होती है इस चीज को लेकर कि जी बिलावल साहब सपोर्ट में नहीं है, इस चीज के हामी नहीं है कि एहतजाज में साथ दिया जाए। एक होप है बिलावल के चेहरे को देख के, बीबी शहीद की झलक देखते हैं उनके चाहने वाले, वो एक होप है, वरना तो उनकी नैया तो डूबी हुई है ना इस वक्त पंजाब के अंदर। तो ये किस तरह हो सकता है कि तारुल कादरी साहब के कंटेनर से या इमरान खान साहब के हाथ मिला के पंजाब के अंदर इनरोड्स नहीं बना सकते? मेरी इतला ये है कि एतजाज अहसन साहब अभी भी मौजूद हैं और वो शायद कोई ऐलान जो है वो करें। अच्छा, वही हम जाहिर है तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐलानात क्या होते हैं। मैं डॉक्टर जमीर साहब आपकी तरफ आती हूँ कि एक तो ये वाली चीज़ कहाँ से आ गई खुर्रम नवाज गंडापुर साहब की तरफ से, जो शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इनफैक्ट कोई अपोजिशन की जमात, आपकी खुद की जमात भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी कि असम्बलियाँ तहलील करने की वो बात कर देंगे। और दूसरा बुनियादी सवाल जो हर कोई यही जानना चाहता है कि ये एहतजाज आखिर रंग क्या लाएगा? अगर ये वाकई एक दिन का एहतजाज है और इसके बाद इसी तरीके से क्राउड डिस्बर्स हो जाएगा, तमाम रहनुमा जो हैं वो अपने घरों को चले जाएंगे और इस्तीफ़ों का ऐलान आप सुन ही चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफे नहीं देंगे राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से भी और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी, तो होगा क्या? शुक्रिया सादिया, मैं आज की आपकी गुफ्तगू की इब्तिदा एक शेर से कर रहा हूं। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अब अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। देखिए ये मुल्क की अवाम बिलउमूम 70 साल से और बिलखसूस गुज़िश्ता दहाई से मुस्तकिल जुल्म, महंगाई, गुर्बत, दहशतगर्दी और बेरोजगारी, बदमनी का शिकार है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि यहां पर हुकूमतें निजाम तब्दील नहीं करती बल्कि सिर्फ चेहरे तब्दील होते हैं। लिहाजा ये तो इब्तदाइया है। आपकी गुफ्तगू और अभी करनी साहब की गुफ्तगू में जो सुन रहा था उसमें मुझे थोड़ा सा ये महसूस हुआ और आप मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन्स जन्म ले रही हैं। देखिए ये आज की जो इब्तिदा है ये कोई सियासी या इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, ये आप सब और हम सब जानते हैं कि ये मुख्तलिफ ख्याल बड़ी सियासी जमातें जो पाकिस्तान भर पे मुहित हैं उनका पहला इज्तिमा है पाकिस्तान की तारीख में, इस हवाले से कि ये एक नुक्ते पे, यानी कि वो एक नुक्ता है इंसाफ दो। हमने देखिए जो एक बड़ा हेड बैनर जो लगाया है स्टेज पे वो भी आप देख रही हैं कि हमारा एक ही मुतालबा है कि इंसाफ दो। अब इंसाफ किसको चाहिए? ये पूरे 20 करोड़ आवाम को चाहिए। ये इंसाफ किसको चाहिए?
उस हर बेटी को चाहिए जिस मासूम बेटी की इज्जतें इस मुल्क में लूट ली जाती हैं और उसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। यह इंसाफ हर मजदूर को चाहिए जो बेरोजगारी की आग में जल रहा है। यह इंसाफ हर मां को चाहिए जो अपने बच्चे दरिया में फेंक करके खुद फांसी से लटक जा रही है। यह इंसाफ हर नौजवान को चाहिए जो प्रेस क्लबों के सामने अपने डिग्रियों की जो है वो आग लगा करके अपनी जान को हलाकत में डाल देते हैं। और फिर यह इंसाफ शहदाए माडी टाउन जो 17 जून को फलक ने देखा कि जिस तरीके से स्टेट टेररिज्म का मुजाहरा किया गया। देखिए यहां पर आप ये देखिए हलाकतों की जो हिस्ट्रीज है वो बड़ी पुरस्कार है, शहादतों की हिस्ट्रीज बड़ी पुरस्कार है। लियाकत अली खान का जो शहीद करने वाला था वो आज तक सामने नहीं आया। टाइमिंग होता है ना वो ज्यादा हो जाता है कि लोग जो सवाल दूसरे तरफ से होता है सर वो ये होता है कि जी फिर कादरी साहब पहले क्यों नहीं इस हवाले से बाकी जमातों को इकट्ठा कर पाए या फिर खुद क्यों कनाडा चले गए मुल्क से बाहर जाते रहे या जरदारी साहब फॉर दैट मैटर चार साल पीपल्स पार्टी क्यों नहीं आई सड़कों पे इस चीज को लेकर या इमरान खान क्यों नहीं आए। टाइमिंग पे एतराज उठाते हैं नून लीग वाले सर। मुझे मुझे एक ऐसा कुछ कह लें मैं फिर ब्रेक पे जाऊंगी फिर धामरा साहब से भी जरा बात करें। 126 दिन का धरना था 2014 में इस बात मॉडल टाउन के आने के बाद हुआ ना जब इंसाफ नहीं मिला और यही पीपल्स पार्टी अगेंस्ट थी तो तजादात के साथ सफर कर रहे हैं। हमारे साथ तहरीके इंसाफ भी मौजूद है, हमारे साथ पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, गुज़िश्ता तीन आल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस। जी डॉक्टर साहब जी गुज़िश्ता 3.5 साल से मुस्तक़िल ये सियासी जमातें हमारे मरकज का दौरा कर रही हैं, हमारे मरकज की क़यादत से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। और दूसरी बात ये देख लीजिए कि आप ये कहें ये तसलसल है जद्दोजहद में, इनकलाबी तहरीकों के तसलसल इसी चीज का नाम है। डॉक्टर ताहिर कादरी अब इंसाफ लिए बगैर कैनेडा नहीं जाएंगे, ये मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इंसाफ के बगैर वो कनाडा या नहीं जाएंगे। ये तो बड़ा ऐलान हो गया क्योंकि आज भी फ्रैंकली आप बहुत बहुत जबरदस्त बात है। हम सर खुद ये सब चाहते हैं, वैसे आपने भी बात की कि जाहिर है हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले। जो इतना बड़ा सानहा मॉडल टाउन में हुआ है, जो कि मीडिया ने लाइव दिखाया है, जिस तरीके से लोगों पर गोलियां बरसाई गई हैं, हम तो खुद चाहते हैं कि उनके शोहदा को इंसाफ मिले। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं, सेनेटर आजिज धामरा साहब की तरफ जाएंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। लाहौर में मुतहदा अपोजिशन का एहतजाज जारी है और डिमांड यही है कि सानहा मॉडल टाउन के शहदा को इंसाफ फराहम किया जाए। जरदारी साहब मौजूद थे पहले सेशन में, तकरीर करके चले गए, थोड़ी देर के बाद इमरान खान साहब की बारी भी आएगी। मैं धामरा साहब आपकी तरफ आती हूँ कि जिस तरीके से मकसद बताया जा रहा है और बारहा जिस पर तकरीर भी हो रही हैं वो यही है कि इंसाफ फराहम किया जाए। अब ये वाला जो एहतजाज है ये वाकई आपको लगता है कि मजबूर कर पाएगा हुक्मरानों को, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को, और जो डिमांड है कि जी शहबाज शरीफ साहब और राणा सनाउल्ला जो है वो मुस्ताफी हों, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि वो तो उनकी तरफ से बार बार इंकार ही आया चला जा रहा है, तो ये एक दिन का धरना भी नहीं है, एहतजाज है, जलसा है, तकरीर है, कैसे फोर्स करेगा उन्हें कि वो वाकई रिजाइन कर जाए। देखिए इससे पहले आपके सवाल से पहले इस प्रोग्राम में मैं ये सुन रहा था कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप या कारकुनों में एक बड़ा गैप है, तो ये किस तरह का इतिहाद होगा या कारगर, तो मैं इसकी वजाहत कर दूं कि हमारा इतिहाद पीटीआई से बिल्कुल नहीं है, ना ही हमारी बातचीत कोई पीटीआई से चली थी, ताकि ये माहौल हो गया तो ये सवाल बने कि जनाब ये तो इकट्ठे थे अब जो दूर दूर नजर आ रहे हैं। हम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की पार्टी और उनके पार्टी के वो फॉलोअर्स या कारकुनान जो शहीद हैं उनके वर्सा को इंसाफ दिलाने के हवाले से उनसे बातचीत जरूर हमारी चली है, और एक एपीसी कॉल हुई थी और उसमें स्टीयरिंग कमेटी बनी और उन्होंने ये फैसला किया कि आज का एहतजाज ये इनिशिएटिव हमारा एक कदम है, ये पहला कदम है। और जारी है इस मुल्क में हम कोई लॉकडाउन नहीं करने जा रहे थे, पहला हमने जो डिसाइड मुख्तलिफ पार्टी के जो नुमाइंदगी है
उनमें ये डिसीजन हुआ कि हमें 17 तारीख को इनिशिएटिव लेना है और हम अपने मुतालबे को जोरदार तरीके से रखेंगे। अगर उन्हें समझ है, अगर वो अंदर से डेमोक्रेटिक है, अगर वो अपने वादे के पक्के हैं, जो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि ये रिपोर्ट जब आएगी उसमें अगर उंगली भी उठेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अब वो इस्तीफा नहीं दे रहे, तो ये जो उनकी स्टेटमेंट है, ये एहतजाज उनकी याद दिहानी करवा सबके सामने कि वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि जनाब उसमें तो कुछ कहा ही नहीं गया, हम पे तो कोई जिम्मेदारी आए दी नहीं हुई, ये उनका जवाब आता है। नहीं माने तो इसीलिए ही तो एपीसी काल हुई, इसीलिए ही तो आसिफ अली जरदारी साहब, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के पास गए, ये माहौल बना, और आज का जलसा माहौल बनाने के और ज्यादा एहतजाज के तरीके जो है वो स्टेयरिंग कमेटी जो है तमाम पार्टियों के नुमाइंदे वो जरूर बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आज का एहतजाज और बात खत्म हो गई। अभी आपने थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब की पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर ये बात उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज की है कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान में रहेंगे और इंसाफ के बगैर वो नहीं जाएंगे, डॉक्टर साहब वापस नहीं जाएंगे। एजेंडा है तमाम पॉलिटिकल पार्टी डॉक्टर साहब के साथ है, उनके साथ है, तो हमारा पीटीआई से कोई इत्याद नहीं है, हमें इस बात से बिल्कुल सरोकार नहीं है कि जरदारी साहब की मौजूदगी में इमरान खान, बिल्कुल सही है, पीटीआई से कोई इंतखाबी इत्तेहाद ना होने जा रहा है ना है। बट धामरा साहब मुझे एक चीज बता दें, हमारी बात जीत नहीं हुई है, एक चीज बता दें कि ये जो अभी शाम से जो खबरें आना शुरू हुई थी सर के असेंबलियां तहलील हो सकती हैं, क्या इस हवाले से कुछ हम पेशरफ देख सकते हैं? क्योंकि आपको याद होगा बलूचिस्तान वाला जब मामला सामने आया तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने ये कहा कि ये भी साजिश है और इसके फेज टू में जरदारी साहब सिंध असेंबली तहलील कर देंगे और इमरान खान जो है वो केपी की असेंबली तहलील कर देंगे। देखें अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के इस मरकज पे जाना और आज का जलसा या एक ही कंटेनर पे जाने का एक ही मकसद है, वन पॉइंट एजेंडा, और ये भी बात तय नहीं है कि आगे चल के ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस बात को वाजह तौर पर कह चुकी हैं। जहां तक साजिश की बात है तो मियां साहब को तो वो कहते हैं कि साजिश हो गई। अच्छा दूसरी बात ये तो बात आपकी सही है कि वो हर चीज में जो है वो साजिश वाला आंसर तलाश करने की कोशिश करते हैं। जी सर फरमाइए। आखिरी बात कहने जा रहा हूँ। देखें मियां साहब इल्जाम तो लगाते हैं मगर मियां साहब जो साजिश की बात कहते हैं, एक तो वो कहते हैं जो मुझे हटाया गया वो साजिश है, बताते नहीं साजिश कहते हैं, बल्कि उन्होंने घंटी तो बजा दी है कि अगर उनको इलेक्शन में शिकस्त हुई तो वो घंटी बजाएंगे। शेख मुजीब रहमान की जो फॉलोअर वाली बात की है वो उसको फॉलोअप कर रहे हैं शेख मुजीब रहमान को, तो ये खतरे की घंटी जो दिल में रात वाली बात है वो पहले ही कह दी है उन्होंने। बलोचिस्तान में उनकी इत्तेहादी पार्टी है JUIF, ये बात बड़ी आम बात कर दी, वजीर है, कैबिनेट का हिस्सा है, आप सही कह रहे हैं, क्यों नहीं निकाल देते? जी बिल्कुल सही बात है ये। वैसे तो सब ये शेख मुजीब रहमान वाला बयान जो आया है इस पे तो आज जरदारी साहब ने भी बड़ी बात की है कि उस इंसान की मिसालें दे रहे हैं आप कि जिसने मुल्क तोड़ा है, और जरदारी साहब ने तो ये कहा कि किस चीज का रोना रो रहे हैं, आपके साथ हुआ ही क्या है, इनके साथ हुआ ही क्या है, हुआ तो जो कुछ है वो पीपल्स पार्टी के साथ है। नवाज शरीफ साहब के लिए वो बचपन में हम देखते थे टॉम एंड जेरी का, तो उसमें वो जो कैट है वो अपने पाओ पे कुल्हाड़ी मारती रहती थी ना, पाओ पे वो चाकू मारती रहती, तो वो टॉम जो है इसमें नवाज शरीफ साहब है आपके। नहीं 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 मैं ये नहीं कह रहा सादिया, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ऐसा कौन सा आर्मी चीफ है जिनके साथ सिंगनी अड़ा है, आप खुद ही अपॉइंट करते हैं, खुद ही कौन सा, आप जो वहीद काकड़ साहब को देख लीजिए, आसिफ नवाज जंजुआ साहब को उन्होंने ब्राइब करने की कोशिश की थी जो खुद उन्होंने इंकशाफ किया था मरूम ने, उसके बाद आप देख लीजिए राहिल शरीफ साहब को इन्होंने अपॉइंट किया, फिर उसके बाद आप अभी कमर जावेद बाजवा साहब को इन्होंने अपॉइंट किया, हर एक से कहीं ना कहीं ये कर देते हैं। अब जो ये इनका बयानिया है वो मेरे ख्याल में लेकर वो कुल्हाड़ी अपने पाँव पे मारते जा रहे हैं और छोटे शरीफ यानी कि शहबाज शरीफ के साथ कुछ इनकी मार रहे हैं या पाँव ही कुल्हाड़ी पे रख रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, करना क्या जा रहे हैं? एक ही बात है मेरे ख्याल में, लेकिन ये इनकी साफ है ना कि लोग जो है कुल्हाड़ी पाँव पे मारते हैं, ये पाँव कुल्हाड़ी पे मार देते हैं, सामने नजर आ रही होती है कुल्हाड़ी, उस कुल्हाड़ी के दूसरी तरफ जो है उसे मना करना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, वो ये मान नहीं रहे, ठीक है, चौधरी निसार साहब मना कर रहे हैं ये मान नहीं रहे, तो अगर ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन मेरे ख्याल में गैप इम्प्रूव हुआ है दोनों भाइयों के दरमियान सऊदी अरब के अंदर जो मुलाकातें हुई इनकी, और सऊदी अरब के अंदर जो मुलाकातें हुई उससे इन्होंने आते ही जो मेरी तला है, हो सकता है मैं गलत हूँ,
कि इन्होंने बिल्कुल ही अपोजिट इन्होंने रद्द अमल दिखाया, आते ही फिर वो एग्रेसिव, वो इनके एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी किस तरह एक नेक्सस बना के इनके इख्तदार को मारी, उसी के अंदर ये शेख मुजीब वाला जो इन्होंने मंत्रा जो नया पढ़ा है, तो आप मुझे ये बताइए कि इनका कौन सा डीएनए है जिसके अंदर मिलिट्री डिक्टेटर नहीं है, ये अब ये जो कर रहे हैं ये कि जमहूरियत की बहाली के लिए कर रहे हैं, तो इनकी अदल बहाल करने की तहरीक अब याद आ रही है, जमहूरियत याद आ रही है, पार्टी को इररिपेरेबल लॉस पहुंचा रहे हैं ये। शहबाज शरीफ और उनका पूरा कैंप इस बात पर मुसर है कि भाई आप ये ना करें ना करें, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, अगर आज ये पार्टी जिस तरह धमरा साहब कह रहे हैं कि कोई बड़ा हमारा नहीं है, कोई इंतखाबी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो भाई आज इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, लेकिन अगर ये कर रहे हैं, आई हैव टू गो फॉर, ये अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब जी प्लीज मैं ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज इस एहतजाज में शेख रशीद साहब ने तो अपनी कौमी असम्बली की नशस्त से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है, तो डॉक्टर साहब आप क्या देख रहे हैं, मजीद क्या ऐलान हो सकते हैं, मजीद ऐसा बढ़ डी एस एन जी पे जैसे सिगार पिया था ना जी, शेख रशीद साहब ने आज जलसे के अंदर वैसे ही की है। अच्छा? कि मुस्ताफी हो गए, देखने सब खबर के आदमी है ना, खबर के आदमी, हाँ तो खबर में रहे, लेकिन वो बड़े अरसे से कह रहे थे ये बात, और तमामी लोगों का मुतालबा तो यही था कि इंसाफ होता नजर आए, अब उनके इस इस्तीफे से तो डेफिनेटली इंसाफ नहीं होगा, लेकिन ऑन अ लार्जर स्केल क्या चीज बन सकती है वो देखने वाली है। जी डॉक्टर साहब, करनी साहब कह रहे थे डीएनए की, डीएनए की बात कर रहे थे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को डीएनए में आमरियत और सरमायेदारी निकलेगी अगर आप इनका डीएनए देखेंगे। बात यह है कि मैं ये कह रहा था कि अब इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, इस हुकूमत का जाना अब ठहर गया है, अब कोई वजह नहीं है कि ये इस मुल्क पे बरसरे इख्तदार रहें। दूसरी बात अभी आप फरमा रही थी कि ये असेंबलियां, देखिए बात ये है कि ये असेंबलियां और सेनेट ये अभी फिलहाल हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें इंसाफ दें, 14 शहदा हैं हमारे, उनका तहरीक कसास के हवाले से हम यहाँ खड़े हुए हैं, हमें उनका कसास चाहिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी आप बात करनी साहब बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ बात मानते नहीं है उनकी, मैं तो ये कह रहा हूँ 20 करोड़ की बात नहीं मान रहे, वो उन्हें 20 करोड़ का जो है वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, वो गो नवाज गो और गो शहबाज गो के नारे लग रहे हैं, ये कभी भी अदलिया से नहीं बना सके, ना कभी फौज से बना सके, इदारे इन्होंने हमेशा तोड़े, तो लिहाजा। लेकिन एक मैं आपको एक और ब्रेकिंग दे दूं कि इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिदा अपोजिशन में यहीं से एक बड़ा एक अपोजिशन का इत्तेहाद वजूद में आएगा, गो के यहां पर तमाम पार्टियों के अपने अपने मंशूर हैं अभी तक और ये एक निकात पे भी यहां जमा है, लेकिन ये एक प्रोसेस का अमल है, इंतखाबात और सियासियत की बात कर रहे हैं आप, ठीक है जी, मैं किसी भी किस्म के इंतखाबी इत्तेहादी की बात कर रहा हूं, सियासी इत्तेहाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें इस शर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, अगर हम इस शर के सामने खड़ा नहीं होते हैं तो ये इस तरीके से सरमायेदाराना और जागीरदार निजाम का खात्मा यहां से नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, जुल्म हो रहा है, ये देखिए अभी आप खुद टीवी पे दिखा रही है इस तरीके से जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को मैं तो कहता हूं मासूम जैनब और मासूम मजदूर और बेरोजगार नौजवानों के जनाजे पढ़ने से बेहतर है एक मरतबा इस फरसुदा निजाम का जनाजा पढ़ लिया जाए और इसको मुल्क से फारिग कर दिया जाए, इन जागीरदारों और सरमायेदारों को, उसके लिए जो भी इंतखाबी इत्तेहाद वजूद में है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में तहरीक चले, बिल्कुल ठीक है सर, ऑब्वियसली वो तजादात तो हमें नजर आए हैं, पाकिस्तान नवाज के अपने जो बड़े असूलों की बात तो करते हैं लेकिन असूल असल में प्रिंसिपल्स जो है वो नजर नहीं आते। सेनेटर साहब यही बात आज जिस मकसद के लिए इकट्ठी हुई तमाम अपोजिशन की जमातें वो यही था कि इनको इंसाफ दें, राना सनाउल्लाह साहब रिजाइन करें, शहबाज शरीफ साहब रिजाइन करें, बहुत हो गया। आपने खुद जिस तरीके से कहा कि कहते थे रिपोर्ट सामने आएगी, जरा सी भी अगर इशारा भी मेरी तरफ हो गया तो मैं जो है वो रिजाइन कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह साहब अब ये कहना शुरू हो गए कि जिम्मेदार कौन है
इसका तायुन अदालत करेगी। कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे कि एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्टी सरबरा को या वजीर आजम को नाहल करार दे देती है नवाज शरीफ साहब, तो वो अदालत की नहीं मानते, वो कहते हैं मैं अवाम में जाऊँगा। यहाँ मुतहदा अपोजिशन अवाम की बात कर रही है तो ये कहते नहीं हम अदालत की सुनेंगे, तो डबल स्टैंडर्ड्स की तो भरमार है यहाँ। देखिए सादिया, अगर ये गैर पार्लियामानी अल्फाज नहीं हो, ये जालिम कुरान है। हम तो कहते थे कि करते हैं दरिंदे जुल्म, मैंने तो इंसान को इंसान निगलते देखा है, इन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को निगल लिया है करप्शन के अंदर। आज के अच्छा धामरा साहब से देखें, देखें सादिया, आपने आपने दो चार सवालात रखे हैं, इनका इनका जो मेन जो सब्जेक्ट है आजकल मुस्लिम लीग नून का के साजिश, साजिश इसलिए ये कहते हैं कि हमेशा ये जमहूरी जो सिस्टम है उनके खिलाफ जो साजिशें अब तक हुई हैं, जो चार प्राइम मिनिस्टरों के खिलाफ ये साजिश में शरीक रहे हैं, इसलिए इनको साजिश का ज्यादा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है कि साजिश किस तरह की जाती है, तो ये साजिशों में शरीक रहे हैं। दूसरी बात है इदारों और अदलिया की, तो ये इदारतों के ऊपर अदालतों के ऊपर हमलावर भी ये खुद हुए हैं, और जस्टिस कयूम की वो ऑडियो कैसेट भी आपके सामने है जो जरदारी साहब और शहीद बीबी को सजा दिलाने के लिए ये फरमाइशी प्रोग्राम करते रहे जस्टिस रिटायर्ड कयूम के साथ, इसलिए अदालतों का भी इनको बहुत बड़ा तजुर्बा है। और दूसरी बात जो वादों की है, तो ये इनका सब्जेक्ट है कि वो वादा ही किया जो वफा हो जाए, और इस्तीफा को जब ये साजिश करार देते हैं राणा सनावला या शहबाज शरीफ, तो देखें जो गौरतलब बात है, बड़ी अहम बात है सादिया, वो ये है कि इस्तीफा इस मुल्क में अब तक के हुकूमतों में जो इफ्तिताह किया है, जो इब्तिदा किया है, वो खुद प्राइम मिनिस्टर अब्बासी ने किया, अपने ही बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर को ये खुद मशवरा दे दिया कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मुकाबला न करें, आप इस्तीफा दे दें। किसने दिलाई चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को इस्तीफा, पीपुल्स पार्टी ने, पीटीआई ने, डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने, या ज्वाइंट अपोजिशन ने? इस्तीफा की इब्तिदा तो आपने की है इस मुल्क में अपने ही चीफ मिनिस्टर को, तो ये किस तरह? अच्छा, इतने बड़े साने में मुलविस वजीर आला से इस्तीफा का मुतालबा किया जाए तो साजिश है। वहां पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो एक आईनी राइट है मेंबरान का, हाउस का, इन हाउस तब्दीली का, वहां पर आपने खुद इस्तीफा कि मुझे क्यों निकाला, बिल्कुल तो वही बात है, इसलिए साजिश तो इस्तीफा तो उन्होंने खुद इफ्तिताह की थी। आगे चल के अगर कोई इस्तीफा आई, सर सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने, सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे ना, वो एटलीस्ट उनके पार्टी सदर से बहुत बेहतर थे। उन्होंने ये ज़रूर कह दिया था कि मैं भी इक्तदार से चिपका नहीं रहना चाहता हूँ, अगर वाकई ये फैसला हो गया तो मैं अलग हो जाता हूँ। नवाज शरीफ साहब तो ये भी नहीं कह सके थे, सनाउल्लाह ज़हरी साहब ये अहम बात है कि जो इस्तीफा दिलवाया गया वो खुद पीएमएलएन के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने दिलाया अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर से, तो वहां पर साजिश मियां साहब को क्यों नहीं नजर आती? आगे अगर कोई इस्तीफा आती है तो उसकी जिम्मेदारी भी पीएमएलएन पे होगी कि उन्होंने खुद एक रिवाज डाल दिया कि अपने चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा दिला दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा ओवैस तौहीद साहब, अब ये बताएं कि ये तो आज का एहतजाज जो है, अब देखते हैं क्या आखिरी फैसला इसमें क्या होता है, या मजीद कोई डेट आती है, धरने का ऐलान होता है, क्या होता है? लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी मुश्किल है वो पीर सियालवी साहब, जो अब दाता दरबार में उन्होंने आना है, और वो तो कहते हैं धरना उसके साथ कोइंसाइड कर सकता है कोई। अच्छा। डॉक्टर ताहिर कादरी साहब का जो अगला लाहे अमल जो भी जिसका ऐलान करेंगे वो, और मुमकिन तौर पर जो हमारी तलाश है वो ये कि साहबजादा अबुल खैर और हामिद रजा साहब जो हैं उन्होंने मशावरत की, और उसके बाद डॉक्टर ताहिर कादरी साहब से भी बात की है। तो लेकिन ये ज़रूर है, मुझे लगता है कि जो पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके तहफ़ुज़ात हैं कि आगे किस तरीके से इसको लेकर आगे चला जाए। इसी वजह से आप पीटीआई के रहनुमाओं को देख लें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देख लें तो वो कोई चीज़ इस देयर नॉन कमिटल, बहुत ही ओपन एंडेड बात छोड़ रहे हैं। लेकिन एक बात तो ये है कि एक सारी पार्टी एक जगह पर आ गई, ये ज़रूर है कि जो हम सबको तवक्कुआत थी वो जाहरी बात है कि नहीं पूरी होंगी। सिर्फ शेख रशीद साहब ने इस्तीफे का ऐलान किया है। वो तवक्कुआत क्या है, आपको क्या तवक्कुआत? वो जो आप कह रहे हैं पूरी नहीं होगी तवक्कुआत, ये कि लोग ये सोच रहे थे
اور سوچ رہے ہیں کہ ایک طویل المدت کا دھرنا ہوگا، وہ نہیں ہے اور وہیں پر ہوگا، اور جب تک شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ مستعفی نہیں ہو جاتے یا حکومتیں نہیں گر جاتی ہیں اس وقت تک اس طرح کے اعلان کیے تھے نا آگے ہوتا ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ احتجاجی جو تحریک ہے یہ ایک منظم طریقے سے آگے، احتجاجی تحریک ایک منظم طریقے سے بڑھے گی، منظم طریقے سے بڑھے گی، لیکن اگر یہ اس طریقے سے عوام کو کسی، تو آپ دیکھیے ہم اس طریقے سے عوام کو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی انسائٹ کر جائے گا پیر سیالوی صاحب کے دھرنے سے؟ ممکن پورے پاکستان کے عوام سے کوئی انسائٹ کر جائے گا؟ بی بی پورے 20 کروڑ مظلوم عوام سے، یہ آج کا جو احتجاج ہے یہ پورے 20 کروڑ مظلوم عوام سے کوئی انسائٹ کر جائے گا، اور اس کے بعد ان کو یہاں پر رہنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، نہ یہ فرار ہو سکیں گے. اب ان کا مقدر جو ہے نا وہ مقدر سر آج کے پروگرام میں سب سے بڑی جو خبر تھی نا وہ آپ ہی نے دی تھی، جو بریکنگ نیوز ہے کہ قادری صاحب ایٹ لیسٹ نہیں جائیں گے ملک سے باہر جب تک انصاف نہیں ملتا، آئی تھنک تبھی تحریک چل سکتی ہے. ہر بار یہ ہوتا ہے، دیکھیے قادری صاحب کے پیچھے انقلابی نظریاتی کارکنوں میں خیمے لگائیں گے اور ہم بھی پھر انہیں جوائن کریں گے اگر وہ یہیں پہ رہ کے سماجی انقلاب کی بات کر رہے ہیں. اگر مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، اگر آپ کی آواز میں سن چکا ہوں آتے رہیں گے تو پھر اس کے ان کے اختیار نہیں ان کے دائرہ کار اور ان کا طریقہ کار ہے. نہیں اس کا جواب مجھ سے سن لیجیے، یہ میرا استحقاق ہے کہ وہ میرا قائد ہے، میں اس کا جواب دوں. دیکھیے ڈاکٹر طاہر القادری کے پیچھے ایک انقلابی نظریاتی کارکنوں کی پوری تحریک اور فورس ہے. ہم یہاں پر 20 کروڑ عوام کے ساتھ ان کے پر ہونے والے ظلم کے خلاف ہر عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسی طریقے سے قائد انقلاب بھی ہمارے رہنمائی کے لیے ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اب ڈاکٹر طاہر القادری اس بات سے کمیٹڈ ہو گئے ہیں کہ یہاں پر جب تک انصاف نہیں مل جاتا. اچھا تو ہوا، دیکھیے آصف علی زرداری صاحب نے جی اے ڈاکٹر کا نعرہ لگایا ڈاکٹر صاحب کا، اور دوسری طرف ڈاکٹر صاحب ان کی تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھک رہے تھے. بالکل صحیح، تو ایک تو بڑی تبدیلی آئی نا دونوں پارٹیز. یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان بھی وہ ویسا نعرہ لگاتے ہیں نہیں لگاتے، اور کیا عمران خان کی بھی وہی تعریف ہوتی ہیں، اور وہ یقینی طور سے کرتے ہیں. عمران خان صاحب تو بار بار کرتے آئے ہیں، پی ٹی آئی کو یار اپریشیٹ کرنا چاہیے کرنی صاحب، اگر سینسیبل اپروچز قیادتوں کی طرف سے آ رہی ہے تو آپ کو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بہت بڑا قائد اس ملک کی ایک بڑی پارٹی کا قائد، لیکن سینیٹر صاحب سے پوچھ لیتی ہوں، ماضی کے ساتھ آگے چلیں. اچھی بات ہے اگر سر، اچھی بات ہے اگر واقعی میں ان کے اکٹھے ہو جانے سے ماضی کے ان شہدا کو انصاف مل جاتا ہے تو اس سے زیادہ اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تمام لوگوں کا یہی مطالبہ ہے. بٹ سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی صرف یہ تعریفیں کر دینے سے جس کی طرف ویسے صاحب نے اشارہ کیا. صاحب میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں اس میں کے پروگرام کے حوالے سے، آپ بہت بڑے دانشور ہیں، کیا اتحاد اس ملک میں یک نقطہ ہوتے ہیں اور اس میں بہت ساری جماعتیں شامل ہوتی ہیں؟ کیا آپ پی این اے کا اتحاد بھول گئے؟ کیا آپ ایم آر ڈی کا اتحاد بھول گئے؟ صاحب کے پاس جانا، اتحاد کی بات کر رہے ہیں. اچھا چلے، میں ذرا پہلے پارٹی سیریس ہے جی سر. آپ نے جو سوال کیا سعدیہ، پیپلز پارٹی نے سوچ وچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ اتحاد میں جانے کا، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور انصاف کی حصول تک جہاں تک ممکن ہو سکا، اور جو ڈیسائیڈ اب اے پی سی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کرے گی اس میں پیپلز پارٹی اسٹینڈ کرے گی اور تمام دوستوں کے ساتھ اس اتحاد میں شامل رہے گی شدہ کے انصاف کے. ٹھیک ہے، بٹ سر وہ جو خبریں کچھ میڈیا کی زینت بنتی رہی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے اس معاملے کو، اختلافات کو لے کر، کہ وہ دھرنے کے حق میں نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سڑکوں پر نہیں آئیں گے، جبکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل ہونا چاہیے، اسی لیے آج زرداری صاحب یہاں موجود تھے، بلاول نہیں تھے. نہیں بلاول صاحب کا تو کوئی شیڈول ہی نہیں تھا نا، اور جہاں تک دفتروں کی بات ہے تو سعدیہ یہ پیپلز پارٹی تو ہے، یہ میں جواب دے رہا ہوں، یہ پیپلز پارٹی ہی تو ہے جس پر زیادہ سے زیادہ تنقید تبصرے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں اور ہم ہنس کے اس کا جواب دیتے ہیں، اور تاریخ ہماری باتوں کو ثابت کرتی ہے. آج بلاول صاحب آلریڈی شیڈول تھے، وہ بدیل کے باہر ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر شہید فاضل راؤ کی برسی کے اجتماع میں وہیں پر تھے. ماڈل ٹاؤن کے وکٹمز اور قصور کے وکٹمز صاحب نے بھی کافی تنقید کی ہے آج شریف برادران پہ. اوے سب لاسٹ کامنٹ سر آپ سے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم انصاف کے حصول کے لیے بالکل ساتھ ہیں، سارے ماڈل ٹاؤن کے وکٹمز اور قصور کے وکٹمز بچوں کے لیے، لیکن آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے عجیب و غریب سیاسی اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بعد میں ہونا چاہیے پرائیورٹی،
पहले अगर इंसाफ हो जिस तरह के नारे लग रहे हैं तो वो सबसे सब कह रहे हैं कि 1.8 एजेंडा है जिस पर इकट्ठे हुए। आई होप के वही रहे, लेकिन हम आगे देखेंगे कि माजी में जिस तरह अलकाबात से नवाजा गया एक दूसरे को और अब किस तरह शीर शक्कर हो रहे हैं, तो ये अगर इंसाफ के असूल के लिए तो हमारी हमदर्दियां इनके साथ है, हमारे हमारी सारी इखलाकी हमदर्दियां भी इनके साथ है, लेकिन सियासी इत्तेहाद आप देखेंगे अजीब वगरीब और बिलावल भुट्टो साहब को बिल्कुल तहफात है। ये 20 तारीख को अगर होता है उसमें शिरकत नहीं करेंगे के खिलाफ जब तहरीक चली थी सर, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? पीएनए की तहरीक, ये एक नुक्ता तहरीक होती है और उसके बाद उससे मुख्तलिफ ख्याल जमातें इसी को जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन कहा जाता है। यही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। राइट, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एस एम जमीर साहब, सेनेटर आजिज धामरा साहब और ओवैस तौहीद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।